दलित लड़के द्वारा हिंदू भगवान की मूर्ति छूने पर लगाया 60,000 का जुर्माना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, वीडियो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यह कर्नाटक के कोलार की है। जी हां, जहां पर एक हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने पर, जी हां, एक दलित लड़के द्वारा हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने पर हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों ने 60,000 रुपए का जुर्माना पूरे परिवार पर लगा दिया। जी हम आपको बता दें, परिवार ने अपने घर में जितने भी हिंदू धर्म के देव देवताओं की जो चित्र रखे थे उनको हटाकर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चित्र को लगाया। जी हाँ, यह एक बड़ी खबर निकल के आई है कर्नाटक के कोलार से, जहाँ पर एक दलित लड़के द्वारा हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने पर 60,000 का जुर्माना उसके पूरे परिवार पर लगाया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने अपने घर में हिंदू देवताओं के जितनी भी तस्वीरें रखी उनको हटाकर वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगाई। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है दलितों में, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। कहीं पर मंदिरों में प्रवेश निषेध है तो कहीं पर ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं। इनको लेकर जो ये घटना है यह बहुत ही एक बदलाव लाने वाली घटना है। जी हम आपको बता दें, कर्नाटक के कोलार की यह घटना है। और देखते रहिए मिशन की आवाज के साथ, में भूपेंद्र सिंह सोनवाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर।